हाय मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल प्रीवियस वीडियो में हमने इक्विटी शेयर के बारे में डिटेल में डिस्कशन की थी इक्विटी शेयर हमारे पास एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिसोर्स है जिसे हम लॉन्ग टर्म नीड के लिए इस्तेमाल करते हैं वैसे भी कोई कंपनी इक्विटी शेयर को बिना इशू किए शुरू ही नहीं हो सकती तो इक्विटी शेयर को इशू किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है आज हम हमारा सेकेंड सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो है प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर एक शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड दोनों प्रकार के फाइनेंशियल नीड को पूरा करता है तो देखिए हमारे पास प्रेफरेंस शेयर क्या है जब हम प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर हमारे पास लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा करते हैं प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनको दो प्रेफरेंशियल राइट मिलते ही मिलते हैं दो प्रेफरेंशियल राइट और इसके अलावा भी प्रेफरेंशियल राइट मिल सकते हैं अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ और मेंशन भी हो इसी वजह से बहुत सारे टाइप की कैटेगरी बनकर आती है प्रेफरेंस शेयर की अगर आपने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर जिसमें टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में भी डिस्कशन किया गया है वो नहीं देखी है तो प्लीज वो देख लें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्रेफरेंस शेयर share वो शेयर होल्डर थे जो प्रेफरेंशियल राइट रखते हैं उनके पास दो बेसिक राइट right है पहला है राइट टू पे दम प्राय टू इक्विटी शेयर होल्डर किस रेट से फिक्स रेट से फिक्स रेट से हम उन्हें एक डिविडेंड देंगे किससे पहले इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दूसरा अगर कंपनी बंद हो जाती है लिक्विडेशन फेस करती है तो उस केस में भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पैसा देगी और इसके अलावा भी कोई और राइट right भी हो सकता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर है नो राइट ऑफ वोटिंग वोटिंग का कोई राइट right नहीं होता मैनेजमेंट में किसी प्रकार का पार्टिसिपेशन का कोई राइट right नहीं होता बट इन दी केस ऑफ स्पेशल सरकमस्टांसेस सेक्शन 87 उनको ये राइट right भी दे देता है कि वो वोट कर सकते हैं बट इन स्पेशल केसेस ओनली स्पेशल केस में वो वोट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 87 के अंडर तो इस तरह से हमारे पास प्रेफरेंस शेयर जो है वो दो बेसिक प्रेफरेंशियल राइट रखते हैं पहला राइट टू गेट डिविडेंड एट द फिक्स रेट बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर एंड द राइट टू कैपिटल बैक एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर और इसके अलावा भी कोई और भी हो सकता है प्रेफरेंशियल राइट वो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर डिपेंड करता है अलग अलग तरह के हमारे पास प्रेफरेंस शेयर बन जाएंगे प्रेफरेंस शेयर नॉन कम्यम्युलेटिव प्रफरेंशियर पार्टिसेटिंग प्रेफरेंशियर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस पार्टिस कन्वर्टेबल प्रेफरेंॉन कन्वर्टेल प्रेफरेंस शेयर इन प्रेफरेंस शेयर इस तरह से बहुत सारे टाइप के प्रेफरेंस शेयर बन जाते हैं तो देखिए हमारे पास एडवांटेज क्या है प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने का इक्विटी शेयर के केस में बहुत सारी चीजें थी इक्विटी शेयर जो है वेरिएबल रेट से हमें डिविडेंड पे करना होता था बट यहां पर प्रेफरेंस को हम फिक्स रेट से डिविडेंड पे करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को वहां रेगुलर इनकम नहीं थी सर्टेनिटी नहीं थी रिस्क हमेशा था कोई गारंटी नहीं था डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा बट इनकेसमलेटिव नेचर के प्रेफरेंस तो उनको डिविडेंड हर हालात में मिलेगा ही मिलेगा अगर वो नॉन कॉमोलेटिव है तो हो सकता ना मिले अगर डिविडेंड मिलेगा तो फिक्स रेट से मिलेगा ही मिलेगा इस तरह से हम कह सकते हैं जो कंपनी रेगुलर इनकम होती है नेचर के होल्डर को तो हमेशा रेगुलर इनकम होगी ही होगी अगर अदर नेचर के भी प्रेफरेंसर होल्डर है तो उनको भी प्रायोरिटी जरूर दी जाएगी दूसरा हमारे पास है प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन अगर कंपनी बंद होती है तो लिक्विडेशन के टाइम पे उनको प्रेफरेंस दी जाती है ये उनका प्रेफरेंशियल राइट है इसी का बेस तो था अगर प्रोफरें शेयर है तो उनको प्रेफरेंशियल राइट जरूर मिलेगा और प्रेफरेंशियल राइट में यहां पर यह है कि कंपनी अगर लिक्विडेशन फेस करती है द प्रफरेंस शेयर होल्डर आर पेड देयर कैपिटल बिफोर एनी पेमेंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर डिवेंचर जैसा नहीं है डिवेंचर को तो सबसे पहले देंगे बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिवेंचर के बाद इक्विटी शेयर होल्डर से पहले देंगे तो यहां पर अगर हम ये कहें कि रिस्क जो है उनका थोड़ा सा कम हो जाता है इसके बाद हम कर सकते हैं पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर हमारे प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग नेचर के हैं देखिए अलग अलग टाइप के प्रेफरेंस शेयर हैं, अगर हमारे प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग नेचर के हैं तो उन वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब यह हुआ कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट है फिक्स रेट से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देगी उसके बाद जितना प्रॉफिट बच जाएगा उसमें से भी फिक्स रेट से इक्विटी शेयर होल्डर को दे देगी आखिर में जो बचेगा बीच में जो आखिर में बचता है उसमें भी पार्टिसिपेटिंग और करती है तो एक फिक्स रेट से डिविडेंड प्रेफरेंशियल होल्डर को देने के बाद जो बचेगा उसमें से भी फिक्स रेट से इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा जो बाद में बचेगा उन दोनों को पे करने के बाद उसके अंदर भी हमारे पास

आगे हमारे पास कंपनी को क्या एडवांटेज है कंपनी को पहली एडवांटेज है नो इंटरफेन्स मैनेजमेंट हमारे नॉर्मल काम के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होता है उसको किसी प्रकार का वोटिंग राइट right नहीं मिलता तो किसी प्रकार का बर्डन भी नहीं है किसी प्रकार का इंटरफेयर भी नहीं है तो इसमें मैनेजमेंट की चिक चिक जो है वो खत्म हो जाती है लेस बर्डन ऑन कंपनी कंपनी अगर हाई अर्निंग प्रॉफिट कंपनी है तो यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड फिक्स रेट से हम दे रहे हैं तो वो कंपनी के लिए एक लेस बर्डन है जहां पर मान लीजिए एक कंपनी दस लाख रुपए दस लाख रुपए इक्विटी शेयर इश्यू करती है और दस लाख की प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है हालांकि दोनों जो है उनसे बराबर कैपिटल रिसीव कर रही है बट अगर कंपनी बहुत ज्यादा कमाती है तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को तो बहुत ज्यादा पे करेगी बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उसके कंपैरिजन में चीप हो जाते हैं क्योंकि यहां पर फिक्स रेट से हम डिविडेंड पे करते हैं और कंपनी जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगी वो प्रेफर होल्डर को देने के बाद फिक्स रेट से जो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा तो यहां पर कह सकते हैं लेस बर्डन होगा कंपनी का केस ऑफ हाई प्रॉफिट ज्यादा प्रॉफिट के केस में कंपनी का बर्डन जो है कम हो जाएगा नो नीड ऑफ मॉर्गेज यहां पर भी सेम बेनिफिट है कंपनी को कि यहां पर भी किसी प्रकार की मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की कोई भी चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है इसके बाद हमारे पास है रिसिप्ट ऑफ परमानेंट कैपिटल वैसे तो आज के केस के अंदर ये चीज लागू नहीं होती है आज परमानेंट नहीं रहा क्यों नहीं रहा क्योंकि अब कोई ऐसे शेयर होते ही नहीं है ऐसे प्रेफरेंस शेयर नहीं होते जो रिडीमेबल ना हो इन प्रेफरेंस शेयर होते ही नहीं है हर प्रकार का प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होता ही होता है इन केस ऑफ अगर कंपनी इन प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है तो वो कन्वर्टेबल होते हैं तो इेडिमेबल अब होता ही नहीं है कह सकते हैं बट यहां पर कहता है ऑफ परमानेंट कैपिटल अगर होते तो तो यहां पर कंपनी जो है उसको परमानेंट कैपिटल के रूप में यूज करती और लाइफ टाइम तक रहता अगर इेडिमेबल होते तो बट आज इस केस में कोई इर प्रेफरेंस शेयर जो है है ही नहीं तो हम इस पॉइंट को हम कह सकते हैं आपको बुक्स में जरूर दिखाई देगा बट यहां पर हम ये कह सकते हैं क्योंकि अब इर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो कंपनी जो है प्रेफरेंस शेयर एक तरह से परमानेंट कैपिटल नहीं है अगर होती तो होता ठीक है फिफ्थ है हमारे पास फ्लेक्सिबल कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर प्रेफरेंस शेयर के केस में हमारे पास फ्लेक्सिबल मिलता है है कंपनी अगर चाहती है अपनी कैपिटलिटी को कम करना तो वो रिडीम कर लेती है प्रेफरेंस शेयर को बट दूसरी तरफ अगर कंपनी चाहती है और शेयर इशू करना तो कंपनी और शेयर इशू करके कैपिटल को रेज कर देती है तो कंपनी के पास हमेशा ही ऑप्शन रहता है रिडीमेबल का क्योंकि प्रेफरेंसर रिडीमेबल होते हैं तो कंपनी अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है फ्लेक्सिबल रख सकती है इसके बाद हमारे पास सिक्स बेनिफिट है बेनिफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रेड ऑन इक्विटी मिलता है ट्रेड ऑन इक्विटी का मतलब यही था कि हम फिक्स कोस्ट कैपिटल को ज्यादा यूज करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ज्यादा यूज करेंगे डिवेंचर को ज्यादा यूज करेंगे जिससे कंपनी जो है डिविडेंड ज्यादा पे कर पाएगी इक्विटी शेयर होल्डर को यहां पर हम कह सकते हैं ट्रेड ऑन इक्विटी हम यूज करेंगे या फिर हम लीवरेज भी कह सकते हैं लीवरेज का इस्तेमाल करेंगे यानी फिक्स रेट जो हमारे पास डिविडेंड दिया जाना है फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाना है या फिक्स रेट से हमने पर अगर इंटरेस्ट दे तो उससे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा होता है मार्जिन का फायदा होता है उनको ज्यादा डिविडेंड देना नहीं पड़ता हाई रेट प्रॉफिट के, के केस में यहां पर हमारे इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाता है आगे देखिए लिमिटेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर की कुछ लिमिटेशन भी है पहली लिमिटेशन है हमारे पास किसको इन्वेस्टर को अगर हम देखें नो पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट सिर्फ पार्टिसिपेटिंग प्रफ्रेंस शेयर होल्डर ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन कॉमलेटिव अदर प्रकार के जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो किसी प्रकार का पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो इस प्रकार से सिर्फ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को ही बेनिफिट है और किसी भी प्रकार के जो हमारे पास पार्टिसिपेटिंग के अलावा जो जितने भी प्रकार के प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको किसी प्रकार का एक्स्ट्रा प्रॉफिट में बेनिफिट नहीं मिलता नो पार्टिसिपेशन इन सरप्लस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अपर कंपनी वाइंड अप होती है तो वैसे वैसे मैंने बताया था पिछली क्लासेस के अंदर कि कंपनी को नॉर्मली नुकसान ही होता है बट अगर कंपनी की एसेट जो है वो बहुत ज्यादा में बिक जाए तो कंपनी की लाइबिलिटी सारी पे करने के बाद एक बड़ा सारा अमाउंट बच जाए तो इस केस में एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सिर्फ वो मिलेगा जितना उनको पे करना था मान लीजिए दस रुपए का शेयर प्रेफरेंस शेयर है तो उसको दस रुपए वापिस मिल जाएगा और एक कंपनी जो है इक्विटी शेयर दस रुपए का रखती है बट कम, उस इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में उनके पास एक लाख पड़ा हुआ है तो एक लाख का एक लाख किसका इक्विटी शेयर होल्डर का इन केस अगर कंपनी लिक्विडेट होती है और लिक्विडेशन के टाइम में कंपनी की जो एसेट्स हैं वो लाइबिलिटी से ज्यादा हो जाती है सिर्फ उसी केस में यहां पर हमारे पास वाइंडिंग अप के केस में एक प्रेफरेंशियल होल्डर को नुकसान है अदरवाइज यह नॉर्मली होता भी नहीं है मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होता कि कंपनी बंद हो रही है और कंपनी की एसेट लेबिलिटी से ज्यादा है नॉर्मली ऐसा नहीं होता बट हो तो यहां पर हो सकता है पार्ट प्रफ्रेंशियल होल्डर को नुकसान होता आगे हमारे पास है नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एक्टिविटी किसी प्रकार का वोटिंग राइट नहीं होता पार्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इसी वजह से यहाँ पर किसी प्रकार का मैनेजमेंट डिसीजन भी नहीं लेते तो यहाँ पर कह सकते हैं किसी प्रकार के मैनेजेरियल एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं करते नो लीगल राइट टू गेट डिविडेंड अगर वो कॉमेटिव नेचर का प्रेफरेंस शेयर है तो हो सकता है उसको राइट right हो बट अदर प्रकार का किसी प्रकार का अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उसको कोई राइट right नहीं होता अगर कंपनी चाहती है डिविडेंड देना वो कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है अगर कंपनी चाहेगी डिविडेंड देना तो डिविडेंड दे, दे देगी अगर नहीं चाहती तो नहीं देती तो इसमें कोई किसी प्रकार का राइट नहीं लीगल राइट नहीं होता आगे हमारे पास है लिमिटेशन फॉर कंपनी कंपनी के लिए क्या लिमिटेशन है सबसे पहले है फिक्स बर्डन इन केस ऑफ प्रॉफिट फिक्स बर्डन एडवांटेज थी बट केस ऑफ लॉसेस, फिक्स बर्डन डिसएडवांटेज है रीजन देखिए अगर कंपनी फिक्स रेट से प्रॉफिट कमाती है या फिर कम प्रॉफिट कमाती है कम प्रॉफिट कमाने के टाइम में मान लीजिए कंपनी जो है सिर्फ एक लाख प्रॉफिट कमाती है यहां पर एक लाख होना चाहिए था एक लाख प्रॉफिट कमाती है और जिसमें से नब्बे हजार हमने शेयर होल्डर को देना है तो एक पूरे प्रॉफिट का बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ले रहे हैं तो इस केस में अगर कंपनी प्रॉफिट कम कमाती है तो यहां पर फिक्स बर्डन हम लिमिटेशन के तौर पर देख सकते हैं यहां पर भी कोई टैक्स एडवांटेज नहीं है जैसे इक्विटी शेयर होल्डर के केस में किसी प्रकार की टैक्स एडवांटेज नहीं थी तो यहां पर भी कोई प्रकार की टैक्स एडवांटेज नहीं है यहां पर जो डिविडेंड जो दिया जाता है वो एक प्रॉफिट का पार्ट होता है इस वजह से यहां पर टैक्स रिडक्शन नहीं होता और टैक्स रिडक्शन नहीं होता तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर कोई टैक्स एडवांटेज नहीं होती आगे हमारे पास हम कह सकते हैं डिससेटिस्फेक्शन फॉर इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा अगर कंपनी कम प्रॉफिट कमा रही है या मंदा चल रहा है रिसेशन चल रहा है दोनों ही केस में अगर कंपनी कम प्रॉफिट कमा रही है तो यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स रेट से तो नहीं मिलता वेरिएबल नेचर से मिलता है और दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड पे किया जाएगा अगर कंपनी फिक्स रेट से डिविडेंड पे कर रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो यहां पर काफी बार वो डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को दिए जाने वाले डिविडेंड से ज्यादा होता है इस केस में इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन होती है क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा रिस्क सहन कर रहे हैं रिस्क भी वो ले रहे हैं ज्यादा पैसा भी उनका लगा हुआ है फिर भी डिविडेंड उनको कम मिलता है तो इस केस में हमारे पास उसे डिसटिस्फेक्शन हो सकती है ये था आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो हमारा सेकंड सोर्स ऑफ फाइनेंस था मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी और हाँ जाने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस